ज़कात 2.5% जो है मिनिमम है, आप 250% भी दे सकते हैं। इसी तरह तीन हिस्से मिनिमम है, अगर आप तीन हिस्से यूं कर लें कि तीनों के तीनों हिस्से बांट दें तो ज़्यादा आसान बात है। इसी तरह आपके पास ज़्यादा पैसा है, आपको है, तो आप ज़कात बढ़ा दें, वैसे डोनेशन देते रहें। अल्लाह ताला की तरफ से मिनिमम तो तय है, अच्छाई का मैक्सिमम कोई तय नहीं है, आप जितना अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा। फारूक भाई, जो ये क़ुरबानी के कॉन्सेप्ट में अगर कोई हम बुनियादी तब्दीली की बात करते हैं, या अब जो है वो हज़रत इस्माइल को दुम्बे से रिप्लेस करने की बात अब करते हैं, तो फिर उसका हतमी फैसला तो हमारे यहाँ के वो जो रिवायती मौलवी हजरात है वो करेंगे। यानी लेटर स्पिरिट तो की बात है। इसमें इसमें बड़ा कन्फ्यूजन है कि ये क्यों कर हम कर सकेंगे और कैसे हम ये जो एक हम चीज़ में उलझे हुए हैं उससे कैसे निकल सकेंगे। अच्छा, तो ये भी बड़ा एक चैलेंज है। और अच्छा, इस पर भी सोच विचार बता देते हैं अपने नाज़रीन को, देखने वालों को। कॉल करना चाहें आप, अगर आप कराची से बाहर से कॉल कर रहे हैं तो आप 021 कोड मिलाइएगा और 3256370 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं और हमारे देखने वाले, वो हमें कॉल कर सकते हैं 0092 कोड मिलाइएगा, उसके बाद 3256370। फारूक भाई, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे सऊदीया वगैरह अगर आप जाएं तो वहाँ देखिए कुर्बानी बिल्कुल एक मुख्तलिफ अंदाज से होती है और एक खास जगह उन्होंने रखी हुई है जहाँ पे कुर्बानी होती है। लोग आते हैं अपना जानवर और वहाँ पे इस तरह से जो हमारी आजकल सड़कों का हाल होता है, या जो जिस तरह ये बकरा चोरी हो गया फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह के बहुत सारे वाकयात होते हैं, गायें चोरियाँ हो जाती हैं, बड़ा कुछ हो रहा होता है, वो सारी चीज़ों से हम पीछे बच सकते हैं। मतलब देखिए, एक ज़माना था जब जब शरिया को नाफिज़ुल अमल करते थे तो उसमें इज्तिहाद की गुंजाइश होती थी और एक री इंटरप्रिटेशन होती थी और फिर उससे मुख्तलिफ फ़िक़े जो हैं वो मारज़ वजूद में आए। लेकिन अब वो तसव्वुर नापैद हो गया है और कोई कंसेंसस हम नहीं बना पा रहे, जहाँ पर हम ऐसी सूरत हाल देख रहे हैं कि जब सऊदी अरेबिया में ये प्रैक्टिस है कि वहाँ पर घरों में जानवर जो है वो नहीं बनता है, मोहल्ले जो है वो उस तरह से ख़राब नहीं होते हैं, सड़कें उस तरीके से ख़राब नहीं होती है, और फिर एक इज्तमाही तौर पर एक ही जगह पर जो है वो कुर्बानी दे दी जाती है, फिर उसके गोश्त को स्टोर या स्टॉक करने का, उसको फ्रीज करने का बाकायदा एक सिस्टम है। और फिर उनको उन ममालिक में भी भेजा जा सकता है कि जहाँ पर प्रोटीन की कमी है, जहाँ गोश्त ना भेजा जाता है, फलस्तीन में भेजा जाता है। ये तो मेरे ख्याल में हमारे यहाँ भी इसकी बड़ी गुंजाइश है, पर इसमें बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। अच्छा, लेकिन वो जो बच्चों को खुश होना, जो बच्चे जो हमारे खुश हो रहे होते हैं और वो सारा कुछ हो रहा होता है, अब दुनिया के बहुत से इस्लामी ममालिक में हो गया अपने शहरों की हाइजीन के लिए। देखिए ना, इतनी मॉडिफिकेशन, इतनी इश्तहार तो हमने हर जगह किया ना कि हम जहाज में भी सफर करने लगे ऊँटों की बजाय, घोड़ों की बजाय, और कारों में भी बैठते हैं, सड़कों पे भी चलते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो बात जो समझ में आए, और जबकि आजकल बहुत अच्छे स्कॉलर्स हमारे टेलीविजन सेट्स पे हैं और जो चीज़ों को बहुत अच्छा इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी अच्छाई के लिए किसी इश्तहार में कोई बुराई है। अगर हम अपने शहरों को साफ रख सकते हैं, अगर हम अपने गरीबों को देने का हिस्सा बढ़ा सकते हैं, अगर हम अपने कुर्बानी के जज्बे को और तकवीत दे सकते हैं, तो ये तो बहुत पॉजिटिव है। अच्छा, और इस्लाम बहुत पॉजिटिव है। एक और बात निकलती है इससे, बकरा और गाय भागने की, कभी आप दोनों के साथ ऐसा हुआ है? अपना गाय भाग गई, अपनी बकरा भाग गया? नहीं, कभी नहीं को भागा, असल में होते थोड़े से एक दो भगा दिया, किसी का खोल दिया। बकरियां भागती हैं, बकरे नहीं भागते। जी नहीं, बकरे देखे खोटे से बंदे रहते हैं। बकरे खोटे से बंदे रहते हैं, बकरियां अक्सर भागती हैं। शरीफ बकरे, बकरे भागते हैं तो फिर वापस भी नहीं आते। ये मसला, वो एक ही दफा भागे तो वापस आ जाती है। कभी नहीं हुआ ऐसा, कुछ देखा भी नहीं, इंटरेस्ट भी नहीं लिया आपने? नहीं नहीं, अभी तो आज मुझे वो बता रहे थे, सुबह सुहेल से बात हुई फोन पे, तो मैंने कहा यार ये कब तक होगा, लोग अपना सारे कुर्बानी करके खुद ही डी फ्रीज़र भरते हैं और नए डी फ्रीज़र। कहने लगे मेरे सुबह जब मैं घर आया मियाँ बीवी हम बाहर से रात को, तो गाड़ी खड़ी थी सुजुकी के नीचे, वो कह रहे हैं सर आपके डी फ्रीज़र में आगे उठवा लीजिए, क्योंकि उन्होंने 3-4 जानवर करने थे तो उसका एक मेजर पोर्शन वो साल भर के लिए बचा के रखे। अच्छा, ये क्या? मैं समझता हूँ जो बच्चों वाली बात थी, उनकी तफरी तबाह के लिए कुर्बानी और जानवरों के पीछे, फिर कुर्बानी को देखने के लिए बच्चों का जिस तरह हजूम और एक दिलचस्पी नज़र आती, तो ये भी एक बड़ा खतरनाक रुझान या ट्रेंड है ना, कि हमारे पास कोई तफरी के और सामान नहीं है,
हम उनको किसी और क्रिएटिव चीज़ में जो है वो हम उनकी तवज्जो उनको इंगेज नहीं कर रहे हैं। तो ये सारा पॉलिसी लेवल पे सारी चीज़ें सोचने की, इसमें हुकूमत की भी अपनी जिम्मेदारी है, सियासी जमातों की भी है, सिविल सोसाइटी की भी है, गैर सरकारी तंजीमों की भी है, मीडिया की भी है। तो ये सारी वो चीज़ें जो चैलेंजेस हैं और उन पर हमें सोचना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों की कुर्बानी देनी होगी, बच्चों को वो इस तफरी की कुर्बानी देनी होगी। हाँ। और हमें अपने वसाइल बचा के ऐसे तफरी दवा के सामान पैदा करने होंगे। अच्छा सियासत के हवाले से मैं थोड़ी सी एक बात कि ऑपोजिशन में कुर्बानी के दिन के हवाले से आप ऑपोजिशन में किसी को कोई एक शेर डेडिकेट करना चाहें तो कुर्बानी के हवाले से, कुर्बानी के दिन के हवाले से पूरा आप इसका कह रहे हैं किसी भी हवाले से कुर्बानी करनी है बस। सरे दस्त उस वक्त मेरे जहन में कोई ऐसा शेर नहीं है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि देखिए अब तो ये कुर्बानी मुल्क के वसीतर मफाद में सिर्फ अपोजिशन के लिए नहीं बल्कि ये सबको देनी चाहिए। और ज़रूरत इस बात की कि हम इंस्टीट्यूशंस को जो है वो मजबूत करें। बेशक हम कम से कम कौमी एजेंडे पर एक कौमी इत्तेफाक राय करें, वक्त तो इस बात का मतकाजी है। और बहुत सिंसेरिटी के साथ हमें जो है वो ताल्लुकात कायम करने चाहिए। बेशक। और तो आप शेर में कोई बात कह दें, बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं शेरों में। तो चले शेर में मैं एक हसबे हाल एक शेर पढ़ देता हूँ कि उल्टी हो गई सब तकदीरें, कुछ ना दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। आखिर काम तो अब वो इसको आप किसी भी डायरेक्शन में ले जाएं और किसी पर भी इसको अप्लाई कर दो। हाँ जी, इसकी काफी वसी मीनिंग वसी में ठीक है। अच्छा, और लंदन में कैसे ईद मनाई गई पार्टी ने, पार्टी कायद ने? लंदन में ईद एक रोज़ पहले मनाई गई। अल्ताफ़ भाई वहाँ पर एक मकामी जो इज्तम होता है वहीं पर करीबी नॉर्थ लंदन में ईद की नमाज़ पढ़ के फिर लोगों से और साथियों से सेक्रेटेरिएट में आते हैं, मिलते हैं, शाम को मुख्तलिफ हमारे जो वहाँ फैमिलीज़ हैं वो सब जमा हो जाती हैं और छोटी सी वहाँ पर एक पार्टी हो जाती है, इस तरह ईद वो वहाँ पर मनाते हैं। लेकिन वहाँ भी जो हमारा एक सेक्रेटेरिएट है वो यहाँ की राबता कमेटी के साथ कॉन्टैक्ट में होता है, फिर चूँकि हमारा एक बहुत बड़ा काम है ये हाइड और स्किन कलेक्शन का, तो उसमें हम सब लोग मसरूफ़ होते हैं, फिर हमें अपने सेक्टर्स और कैंप्स को विज़िट करना पड़ता है। बहुत डेडिकेटेडली बहुत पैशनेटली ये काम करते हैं क्योंकि ये थीम हमारी है कि जब हम कौमी सतह पर ये अपनी खिदमत के दायरे को बढ़ा रहे हैं तो असल में हम वन टाइम जो हेल्प है उसमें बिलीव नहीं करते कि एक मरतबा किसी की मदद कर दें, बल्कि हम हमारी कोशिश है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के कॉन्सेप्ट को हमारे। ठीक है फारूक साहब, आपकी बात को कंटिन्यू करेंगे आबिद अली साहब आपसे भी। और इस वक्त यहाँ पर हम ब्रेक लेंगे, हमारा ईद व्यूज़ विद एआरवाई न्यूज़ जारी है और आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टेलीफोन नंबर 02132563705 जो कि कराची से बाहर से करेंगे, और जो हमारे मुल्क से बाहर से करेंगे वो कर सकते हैं 00923256305। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। एंड वेलकम बैक, हम यहाँ पे मौजूद हैं एआरवाई न्यूज़ पे और बातें चल रही हैं फारूक भाई से, आबिद अली साहब से, बड़ी मज़े की बातें हो रही हैं, कुछ थोड़ी सी सीरियस हैं, कुछ थोड़ा सा मजाक भी बीच में हो रहा है। सीरियस हम शायद ज़्यादा हो गए, हम सीरियस हो जाते हैं, पता नहीं क्या बात है, जब आप किसी सियासतदान के साथ बैठते हैं तो आप सीरियस हो ही जाते हैं, ये एक पता नहीं अंदर से कुछ आता है, सियासी माहौल चल रहा है ना कुछ, चाहे सियासतदानों ने सियासत को पूरी कॉमेडी बनाया हुआ है, वो वहाँ कॉमेडी है, हम तक परसीव जो हो रहा है वो ट्रेजेडी में हो रहा है। तो लग रहा है कि आप 28 नवंबर स्पेशल कर रहे हैं, ये स्पेशल नहीं कर रहे, आप करें ये स्पेशल, तारीख ऐसी है ना, हम क्या करें, फर्क है, मजबूरी है, इत्तेफाक है, उसने इत्तेफाक। मेरे ख्याल में सियासतदानों का एहतराम जरूर हो लेकिन कोई रोब वाली बात नहीं है। और आबिद भाई यहाँ बैठे हुए, ये तो आप कह रहे हैं ना अपनी पार्टी के, आपने सवाल पूछा था कि बकरा खरीदने आप कभी गए? तो अब तो हम इसलिए और नहीं जा सकते कि हम बकरा ईद के मौके पर भी क्या बकरे की रेटिंग को मार्केट को कम करेंगे, अगर हम लोग चलेंगे तो बकरों को कम देखेगा। ब्रेकिंग न्यूज़ चलाएंगे कि डॉक्टर फारूक आप अगर